वेलकम टू माय चैनल लॉ स्कॉलर्स एंड लीगल इश्यूज। मैं एडवोकेट बनीता आज फिर आई हूँ आपके समक्ष एक नए विषय के साथ। आज का मेरा जो विषय है वो किसी एजुकेशनल पर्पस से रिलेटेड नहीं है बल्कि एक अवेयरनेस से रिलेटेड है। नॉर्मली क्या है कि जब कहीं जाती हूँ तो मुझे कई बार मैसेज मिलते हैं या मुझे पर्सनली भी व्यक्ति पूछते हैं कि मैम आप वकील हो तो एक लॉयर बनने के लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए, लॉयर की डिग्री कैसे ली जाती है। देखिए, लॉयर की डिग्री के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको LLB करनी पड़ती है। LLB के अंदर फिर अभी एक इश्यू राइज होता है कि मैम मेरी तो इंग्लिश अच्छी नहीं है या मैम मैं पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं हूँ, क्या सिर्फ BA के बाद ही LLB होगी या प्लस टू के बाद ही हम LLB कर सकते हैं। तो इन सभी क्वेश्चन का आंसर आज मैं अपने इस वीडियो में देने वाली हूँ। आप मेरे वीडियो पर कंटिन्यू इसे बने रहिए जिससे आपको पूरी की पूरी इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मिल जाए। सबसे पहली चीज, LLB क्या होती है। LLB एक जो है लॉ की डिग्री होती है जिसको लेने के बाद ही आप लॉयर बनते हैं और उसके बाद जब आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूवल ले लेते हैं उसके बाद आप एडवोकेट बन जाते हैं। एडवोकेट और लॉयर के बीच में क्या डिफरेंस होता है, सबसे पहले इस चीज को आप समझ लीजिए। देखिए, लॉयर क्या होता है, लॉयर वो व्यक्ति होता है जिसने LLB की डिग्री ले ली हो। मान लीजिए कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने LLB कर लिया लेकिन वो नहीं चाहता, अभी प्रैक्टिस में जाना चाहता, फिर भी वो क्या है, एक लॉयर होगा। चाहे वो आगे LLM करे, चाहे वो UGC नेट का एग्जाम करे, चाहे वो PhD करे, बट अभी भी वो कैंडिडेट क्या है, एक लॉयर कहलाएगा, क्योंकि वो उसके पास लीगल अवेयरनेस है, वो लोगों को जागरूक कर सकता है, लोगों के बारे में बता सकता है। सेकंड टर्म आती है एडवोकेट। एडवोकेट क्या होता है, देखिए एडवोकेट वो व्यक्ति होता है जो किसी अपने क्लाइंट, किसी व्यक्ति के लिए बहस कर सकता है, कोर्ट में अपने आप को पेश कर सकता है। कोर्ट इन द सेंस दैट जुडिशियल कोर्ट भी हो सकता है, SGM कोर्ट भी हो सकता है, DC कोर्ट भी हो सकता है। तो एडवोकेट के पास एक लाइसेंस होता है प्रैक्टिस करने का और वो अपने क्लाइंट के लिए पैरवी करता है, उसे एडवोकेट बोला जाता है। नॉर्मली इन लेमन की लैंग्वेज में हर कोई कहता है वो तो लॉयर है, वो एडवोकेट है, लेकिन इस बात का कंफ्यूजन हमेशा ही रहता है कि लॉयर और एडवोकेट होते क्या है। अब आते हैं हमारे मेन विषय पे कि LLB कैसे करें, क्या LLB को हम डिस्टेंस से कर सकते हैं। देखिए, LLB की जो डिग्री होती है वो एक प्रोफेशनल डिग्री होती है, उसे आप डिस्टेंस से नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको रेगुलरली ही करना पड़ता है। अब बात आती है कि क्या BA के बाद LLB की जा सकती है या प्लस टू के बाद भी, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आप BA नहीं करना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं प्लस टू के बाद डायरेक्ट LLB का कोर्स कर लूँ, तो आप प्लस टू के बाद 5 ईयर का जो LLB का कोर्स है उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने BA कर ली हो और आपको ये लगता है कि आपको अब LLB करना है तो आप BA LLB उसके काउंट बेस पर बन सकते हो। BA के बाद जो LLB होगी वो आपकी BA LLB की कैटेगरी भी आ जाएगा। इसके बाद ये विषय आता है कि क्या आर्ट्स का स्टूडेंट होना चाहिए, कॉमर्स होना चाहिए या मेडिकल साइंस है या इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, क्या कोई भी स्टूडेंट जो है प्लस टू के बाद LLB में एडमिशन ले सकता है। देखिए, ऐसी किसी प्रकार की कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई भी स्टूडेंट जो इंटरेस्टेड है वो प्लस टू के बाद किसी भी स्ट्रीम में, उसने चाहे आर्ट्स में प्लस टू किया हो, चाहे कॉमर्स में किया हो, चाहे मेडिकल में किया हो, चाहे नॉन मेडिकल में किया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको अगर आगे LLB करना है तो वो LLB के लिए एडमिशन ले सकता है। एडमिशन जो है जगह जगह लॉ कॉलेजेस खुले हुए हैं, वहाँ अप्लाई कर सकते हो, आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो, कई कैंपसेस में, कई कॉलेजेस में और कई यूनिवर्सिटीज में क्या क्या होता है कि एक एंट्रेंस एग्जाम भी होता है, तो आप उसे देखकर जो है LLB कर सकते हो और इस तरीके से आप लॉयर बन सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि आप प्रैक्टिस में भी जाना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, एडवोकेट भी बन सकते हो। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। इन इन्फॉर्मेशन के अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ और भी आपको बताना चाहिए तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिए। आपको लगता है कि मुझे किसी और विषय पर वीडियो बनाना चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर कीजिए। चाहे आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए या ना कीजिए, इट डजंट मैटर, बट आप कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं वैसे वीडियो आपको और भी मिलते रहे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे फर्दर जो भी कोई वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। कोरोना के टाइम पीरियड में अपना अपने फैमिली मेंबर्स ने ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।